subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. साथियों, आज बिहार में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नया इतिहास रचा गया है। कोसी महासेतु और किऊल ब्रिज के साथ ही बिहार में रेल यातायात, रेलवे के बिजलीकरण और रेलवे में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने, नए रोजगार पैदा करने वाले एक दर्जन प्रोजेक्ट का आज लोकार्पण और शुभारंभ हुआ है। लगभग 3000 करोड़ रुपए के इन प्रोजेक्ट से बिहार का रेल नेटवर्क तो सशक्त होगा ही, पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत की रेल कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। बिहार सहित पूर्वी भारत के करोड़ों रेल यात्रियों को मिलने जा रही इन नई और आधुनिक सुविधाओं के लिए मैं आज सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बिहार में गंगा जी हो, कोसी हो, सोन हो, नदियों के विस्तार के कारण बिहार के अनेक हिस्से एक दूसरे से कटे हुए रहे हैं। माइग्रेंट लेबर के बारे में कुछ एक शब्द से जुबान से नहीं निकला। ये रातों रात 4 घंटे की वक्त देते हुए सारे दुनिया में सबसे स्ट्रिक्ट, सबसे कठिन, निर्दय एक लॉकडाउन की घोषित हो चुका था। उसके बाद क्या हुआ, सारे हिंदुस्तान में तबाही मच गई। बिना कोई प्रिपरेशन लेकर अचानक आपने बुला दिया कि लॉकडाउन शुरू हो चुके हैं, 4 घंटे की मोहलत। नतीजा क्या निकला, लाखों की तादाद के लोग सड़क पर उतरे, नंगे पाए, भूखे पेट, अपना गांव वापस जाने के लिए चलने लगे पैदल, कोई साइकिल, कोई ट्रक, कोई बस। आपने इसका ब्यौरा क्यों नहीं दिया, इसका ब्यौरा क्यों नहीं दिया आपने? आपकी फाइनेंस मिनिस्टर 1 फरवरी जब बजट पेश करती थी, उन्होंने क्या कहा था, क्या कही थी उन्होंने, फाइनेंस मिनिस्टर आउटलाइन इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा एंड सेड दैट इन ऑर्डर टू मीट चैलेंजेस ऑफ रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ इंडिया इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी डाटा मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी। मेरी बात नहीं, मैडम फाइनेंस मिनिस्टर की, डाटा इज द न्यू ऑयल, आपका ही राय है। 14 सितंबर इस सदन में, इस पार्लियामेंट में एक प्रश्न की जवाब में यह कहा गया, इट हैज नॉट मेंटेन एनी डाटा ऑन द नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स हु डाइड व्हाइल ट्राइंग टू रीच देयर होम्स आफ्टर द नेशन वाइड लॉकडाउन टू कॉम्बैट द नोवेल कोरोना वायरस वॉज अनाउंस्ड। इतना डाटा की बात करते हैं लेकिन कितने लोग की मौत हो चुके थे, कोई डाटा नहीं है आपके पास। Reports are coming from various credible organizations. More than 1,000 people have been died. जब हम पूछते हैं कि नौकरी कितना हुआ, आपकी सरकार जवाब देते हैं, we do not maintain any data. ये no data government बन चुके हैं। 2 करोड़ से ज्यादा सैलरीड लोगों को नौकरी चले गए। अर्थशास्त्री जी, जयंत जी, आप यहां बैठे हैं, कहां से इन्वेस्ट आएगा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट, ये 3 इन्वेस्टमेंट की जरूरत होता है।
सरकार नहीं पैसा लगाते हैं मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल स्टील्स के साथ, हमारे प्रधानमंत्री कभी बैठ के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते। हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? हमारे देश में चारों तरफ बेरोजगारी है, 2 करोड़ से ज्यादा सैलरीड लोगों को नौकरी चले गए हैं, 14 लाख हमारे वर्कर की नौकरी चले गए हैं। आपको ये जानकारी नहीं है तो कैसे हमारा डिमांड पैदा होगी? ये सप्लाई और डिमांड में जब तक ये मिसमैच रहेगा हमारा ग्रोथ कभी नहीं होगा। सेंट्रल के इस अध्यादेश पे क्या झारखंड गवर्नमेंट क्या मान रही है, किस तरीके से? सीधा केंद्र का जो नीति है वो आप लोग देख रहे हैं, लगातार उनकी नीति के खिलाफ अक्सर हाँ देश में लोग बोलबंद हुए हैं, देश में लोग अपने मुखर होकर के अपनी बातें रखी है, चाहे वो किसान से संबंधित हो, चाहे वो सीए से संबंधित हो, चाहे जीएसटी से संबंधित हो, चाहे आप नई शिक्षा नीति को लेकर के बात हो, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। पता नहीं केंद्र सरकार किस मंशा से नीति बनाती है, क्योंकि केंद्र सरकार अपने तरीके से उसका डिफाइन करती है। और वास्तविकता कुछ और नहीं, और किसानों से जुड़ा विषय है, निश्चित रूप से अगर कि उसमें खामियां है तो केंद्र सरकार निश्चित रूप से। Minister Cares Fund has the name of the institution of the Prime Minister attached to it. Wouldn't it have been more appropriate if this fund would have been created through legislation rather than as a public trust? शाही हुकम की तरह उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कह दिया पीएम नेशनल रिलीफ फंड बना दो। 1948 से लेकर आज तक उसकी रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो पाई। यहाँ सर
48 तक उसकी रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं हो पाई। सर कैसे उसको एफसीआरए क्लियरेंस मिली, कैसे उसको 12A की रजिस्ट्रेशन बगैर ट्रस्ट के सर ट्रस्ट रजिस्टर नहीं है, ट्रस्ट डीड नहीं है। आपने सेक्शन 12A में कैसे उसको रजिस्टर किया, ATG की आपने एग्जम्पशन उसको कैसे दी, FCRA की क्लियरेंस आपने उसको कैसे दी, मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से। हमने यहां पर पीएम केयर्स पीएम केयर्स संविधानिक रूप से एक रजिस्टर्ड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। सर मैं खुली चुनौती देता हूं विपक्ष को, किसी भी मुद्दे पर चर्चा कर ले, ये संविधानिक रूप से पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, हिंदुस्तान की 138 करोड़ की जनता के लिए है। आपने केवल एक परिवार गांधी परिवार के लिए वो ट्रस्ट बनाए थे। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में सोनिया गांधी, नेहरू, ये लोग वहां पर उसके सदस्य रहे। सर इसकी विस्तार में चर्चा होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो। What is needed is that these demand-side economists say that government should allocate more funds for income transfer to schemes like MNREGA, speed the transfer of revenues owed by the center to state governments and increase government spending on public infrastructure. Other proposals include the extension of the free food grain distribution system. So there are formulae available, but they are not realizing. The finance minister thought it fit to, at this time of corona, she announced selling of 6 airports. What has airports got to do with fighting corona or the economic mess? Yes. Their selling of public sector, as Adhir correctly said, it's selling of the family silver, and now they are not giving GST dues to the states, which amount to rupees 3 lakh crores. The central finance minister says that the center has no money, let the states borrow. Is this a responsible statement? The finance minister should show a way out of the tunnel that we get in. Thank you. She has to tell us whether there is light at the end of the tunnel. India has a vision for the Indo-Pacific, as indeed does Japan. Both of us, we have in many ways sort of tried to shape the Indo-Pacific narrative, and it has been shaped really as reflecting the changing, you know, people talk of the rebalancing of the world. There's also been a rebalancing of Asia, and there's been very fundamental changes in the strategic landscape of Asia. And I think today the seamlessness of what happens in the Pacific and the Indian Ocean regions underline the importance and the relevance of the Indo-Pacific. With Japan, we have both an annual summit and a 2+2 meeting. And
It is probably the only country with which we have both. We have countries with which we have annual summits, we have countries with which we have 2+2, but it's the only one which actually combines both of those. And that, in many ways, actually tells you how much more in sync we have become in terms of how we look at the world and define our interests and weigh the importance of our cooperation. We have seen, you know, a very visible increase in our economic cooperation. The FDI inflows from Japan have gone up. The number of Japanese companies in India have gone up. The ODA disbursements and the projects which Japan is doing through that have scaled up, and you know, Japan in many ways is very, very directly and visibly contributing to infrastructure development. And of course, the big one which all of us have been working on for some time has been the high-speed rail project. Indian and Japanese leaders, whether it's our prime ministers or whether it's our ministers, when they meet and when they talk, the breadth of conversations, you know, we are discussing regional issues, global challenges. So I would say for both of them, the landscape of their interaction, the playing arena, so to speak, has become very much broader. And that, to my mind, is a very important development which signifies a sort of maturing of the relationship. This relationship actually has become strategic. And by that, I mean that each country perceives developments in the others as having a strategic relevance to their calculations. And in a way, if you look at the substance of the interaction, you know, we are talking much more about issues which go beyond our relatively narrow interests. Lok Sabha mein aitihasik krishi sudhar vidhayak parit kiye gaye hain. In vidhayakon ne हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है. आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है. इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने में और ज्यादा विकल्प मिलेंगे और ज्यादा अवसर मिलेंगे. मैं देश भर के किसानों को इन विधेयकों के पारित होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं. किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे. ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं. लेकिन कुछ लोग, जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं. सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन.